तो फाइनली गाइज हमारे गेम के न्यू अपडेट के अंदर हमारी डांसिंग गर्ल भी आ चुका है। तो गाइज मैं आप सभी को उसका चीट कोड भी देने वाला हूँ, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और उसी के साथ साथ हमारे मोड क्रिएट करने के लिए हमारे पुरुष भी ऐड कर दिए गए हैं, जो कि हमको बहुत ज्यादा से आसानी देंगे हमको मोड क्रिएट करने में। और गाइज मैं आप सभी को अंडरग्राउंड पैलेस का भी चीट कोड देने वाला हूँ, सॉरी आप सभी को मोड फाइल लिंक भी देने वाला हूँ अंडरग्राउंड पैलेस की। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आप सभी को ट्रैक्टर का चीट कोड भी देने वाला हूँ जिस भाई को अभी तक नहीं पता है। और गाइज जिन प्रूफ्स की मैं बात कर रहा था, मैं प्रूफ आप सभी को दो टाइप के देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को रोलिंग प्रूफ्स देखने को मिलने वाला है। इस प्रूफ्स का यूज मोड में होगा, ये आपके मोड को और ज्यादा से चैलेंजिंग बना देगा जो भी आप लोगों ने मोड क्रिएट किया होगा। तो गाइस ये आप सभी को बहुत ज्यादा से हेल्पफुल होगा आपको मोड क्रिएट करने। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अंडरग्राउंड पैलेस की। तो चलिए गाइस मैं आप सभी को इसकी फुल डिटेल बताता हूँ, जो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सभी को इसकी फुल डिटेल पता चल जाएगी। और गाइस ये आप सभी को किस लोकेशन पर देखने को मिल जाए ये भी मैं बता देता हूँ, और उसका चीट कोड क्या होने वाला है ये भी बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाना, और यहाँ से आप सभी को अंडरग्राउंड पैलेस का लिंक मिल जाएगा। आप सभी को इसको कॉपी कर लेना, कॉपी भी कैसे करना है मैं आप सभी को बता देता हूँ। उस पर आप सभी को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये आप सभी का लिंक क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। क्रोम ब्राउजर में जाकर आप सभी को इस ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ से आप सभी का यूआरएल इजिली कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करने के बाद आप सभी को अपने गेम में आ जाना है, और गेम में आने के बाद आप सभी को यहाँ पर स्लॉट्स वाले ऑप्शन पर जाना है। स्लॉट्स में आप सभी को अंडरग्राउंड पैलेस के नेम से सेट कर देना है एक स्लॉट्स को। जैसे मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड पैलेस के नेम से एक स्लॉट्स को सेट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 वाला स्लॉट चुन लिया, और मैंने यहाँ पर अंडरग्राउंड पैलेस के नाम से इसको चूज कर दिया, और मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। और फिर आपको सिंपली अपने गेम को प्ले कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने गेम को अभी प्ले करने जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और फिर अपने गेम को यहाँ पर प्ले कर देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर स्लॉट्स चुन के यहाँ पर गेम को प्ले कर दिया, और अपने डाटा को ऑन कर लिया है। को भी सेम एज इट इज टाइम आपने डाटा को ऑन कर लेना। फिर डाटा को ऑन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से अपने यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए, और यूआरएल पेस्ट करने के बाद आप सभी को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जैसे कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ पर सेकंड्स चलने लगेंगे, आपका यूआरएल पेस्ट हो जाएगा। और आपके यूआरएल को पेस्ट होने के बाद तुरंत बाद आप सभी को अपने डाटा को बंद कर देना है, जिससे आपके ऐड ना आ सके, क्योंकि ऐड हमको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि 5 मिनट के बाद ही ये ऐड आ जाते हैं। और फिर आपको अपने गेम को दोबारा से रिस्टार्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। और गेम के रिस्टार्ट होते ही आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ से अपनी कोई भी पसंदीदा बाइक या कोई भी कार्स ले लेनी है, और आपको मेरे बताए हुए पैलेस पर चलना है, जहाँ पर मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ इस टाइम पर, और आपको उसकी लोकेशन देने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर अपाची बाइक को स्पॉन करा लिया हमारे 4050 चीट कोड के साथ साथ। तो सबसे पहले आप सभी को अपने हाउस से बाहर निकलकर राइट टर्न ले लेना, और फिर आपको स्ट्रेट चलते रहना है, और चलते चलते आप सभी को सिंपली यहाँ पर वहाँ पर जाना है, जहाँ पर हमारा जुरासिक पार्क की लोकेशन @ है, और वहीं पर आप सभी को ये हमारा अंडरग्राउंड पैलेस मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा ऊपर माउंटेन पर होने वाला है। तो हम यहाँ पर ट्रेन वाली लोकेशन पर आ चुके हैं। ट्रेन वाली लोकेशन से आपको रैंप के लेफ्ट की ओर आप सभी को यहाँ पर टर्न ले लेना है, और आपको सीधा उस माउंटेन पर ऊपर चढ़ जाना है। आप सभी को यहाँ से दिखने लग गया होगा हमारा अंडरग्राउंड पैलेस की लोकेशन, और सिंपली आपको इसी वाली लोकेशन पर आकर आप यहाँ पर आपको इसका गेट एंटर देखने को मिल जाएगा, और उसका एंटर भी बहुत ज्यादा कैजुअली तरीके से बनाया हुआ है। इसका आपको सीधा एंटर कर देना, और ये कंटेनर है आपको नीचे की ओर धकेल देंगे, और आपको अपनी बाइक को सीधे सी और थोड़ी सी और आगे लेके चलना है, और आपको जब तक ये इनका आने का वेट करना है, जो कि हमारे जो कंटेनर्स हैं जो आपको नीचे ना धकेल दे, इतना आपको वेट कर लेना है। फिर थोड़ी देर रोल ऑन होने के बाद ही आप सभी को नीचे धकेल देंगे, और नीचे आप सभी अंडरग्राउंड पैलेस की दुनिया में चले जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना अच्छा हमारा अंडरग्राउंड है, और बहुत जैसे गहराई में बनाया हुआ है। और भाई इस अंडरग्राउंड पैलेस का पूरा क्रेडिट भी हमारे किमलिस्ट भाई को जाता है, जो कि मैंने उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। तो उनके चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है उनके चैनल को, कि भाई में हमारे इंडियन बाइक ड्राइंग 3D से रिलेटेड बहुत ज्यादा से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज हमको इस अंडरग्राउंड पैलेस में इतनी ज्यादा जगह मिलने वाली है, इतनी ज्यादा स्पेस मिलने वाली है, कि हम इसके अंदर कुछ भी चीज स्पाउन करा सकते हैं, कुछ भी चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा से इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज एक बार एंटर जरूर से करना है, और आपको यहाँ से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी इस वाले रैंप की, मतलब कि जो भी ये मोड है, तो आप सभी को इसकी स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी, और इसका एंड आप सभी को दूसरी साइड देखने को मिलने वाला है। तो इस रैंप को जो भी है, मतलब ये मोड, तो इसको आप सभी को कंप्लीट जरूर से कर लेना। आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अंदर ही अंदर ग्राउंड प्लेस में खेलकर। और गाइज आप इसमें अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि कंटेनर का चीट कोड होने वाला है आप सभी का C1। जैसे ही डायल करोगे तो आप सभी को अपने RGS टूल में डायल करना पड़ेगा, तो आप सभी के सामने कंटेनर आ जाएगा। आप सभी को अपनी तरफ से भी मॉडिफाई कर सकते हो, और आप इसको ओपन भी कर सकते हो, जैसे कि कंटेनर के ऊपर आप सभी को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करने रहना है, और आप सभी को इसको इधर उधर भी खिसका सकते हो। जितने भी ये कंटेनर है आप सभी इसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हो, आप इसमें अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो इस मतलब अंडरग्राउंड पैलेस को। लेकिन गाइज फिर आपको अपने गेम को रिस्टार्ट करने पड़ेगा, तभी आपका जाकर ये सेटलमेंट हो पाएगा अंडरग्राउंड पैलेस की। और गाइज एक बार मैं फिर से बता दूं, आप सभी को अंडरग्राउंड पैलेस का लिंक या तो कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, या फिर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मैंने आप सभी को कॉपी करने का भी प्रोसेस बता दिया, और आपको पेस्ट करने का भी फुल प्रोसेस मैंने आप सभी को बता चुका हूं, वो भी डिटेल के साथ। तो गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को वीडियो क्लिप दिखाई थी, जो कि बिल्कुल सच है, और ये वीडियो क्लिप बिल्कुल रियलिटी थी। हमारे गेम के अंदर डांसिंग गर्ल भी आ चुके हैं, तो गाइज मैं आप सभी को उसका
चीट कोड भी दे देना, उसका और मोड फाइल लिंक भी दे देता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज और दे देता हूँ, जो कि हमारा प्लगइन ऐप है, तो आप उसको अपडेट करोगे जैसे ही उसके अंदर आप सभी को न्यू व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे और आप सभी को न्यू यहाँ पर मोड्स देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल न्यू वाले। और आप इन मोड्स को कॉपी करके आप सभी अपने गेम में एंटर कर सकते हो और आप सभी इन मिशन को पूरा करके यहाँ पर बहुत ज्यादा से इंजॉय कर सकते हो हमारे गेम को। तो गाइस डांसिंग गर्ल के लिए आप सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर डांसिंग गर्ल का मोड फाइल लिंक आप सभी को कॉपी कर लेना और अपने गेम पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आपको डाटा को ऑन करना है और यहाँ पर प्लगइन वाले ऑप्शन पर आकर आप सभी को इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर फाइल लोडेड हो जाएगी। उसके बाद आप सभी को अपने डाटा को ऑफ कर देना और आपको अपने गेम को प्ले कर देना है, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो चलिए अब मैं आप सभी को फुल प्रोसेस बता देता हूँ, जिससे कि हमारी यहाँ पर डांसिंग गर्ल आप सभी के उसमें स्पाउन हो जाएगी। तो फुल प्रोसेस में आप सभी को छोटा सा एक चीट कोड डायल करना है, उसके बाद आप सभी की डांसिंग गर्ल आप सभी के सामने स्पाउन हो जाएगी। तो इस चीट कोड को डायल करने के लिए आप सभी को अपने डायल पैड को ओपन कर लेना और यहाँ पर डायल करना है 15 और 15 का डायल कर दिया, आप सभी के सामने डांसिंग गर्ल आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने 15 डायल कर दिया, आप सभी को सिंपली एक चीट कोड होने वाला है 15 के डायल करते आप सभी के सामने डांसिंग गर्ल स्पाउन हो जाएगी। और गाइस जितनी बार आप सभी अपने चीट कोड को डायल करोगे उतनी बार आप सभी के डांसिंग गर्ल के कपड़े चेंज हो ही मिलेंगे, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो पिंक, किसी में पिंक टी शर्ट है, किसी में व्हाइट और किसी में यहाँ पर ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है हमारे डांसिंग गर्ल ने। तो ये अलग अलग आप सभी को कपड़े चेंज देखने को मिल जाएंगे इनके, तो आप सभी को 15 डायल कर लेना, आप सभी के सामने डांसिंग गर्ल आ जाएगी सिंपली। और चलिए गाइस आप सभी मैं आप सभी को RGS टूल के मैं चीट कोड दे देता हूँ, जिनसे आप सभी को अपने मोड बनाने में और ज्यादा से आसानी होने वाली है। और आपको साइड में रोटेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर XYZ वाला, इसकी मैं आप सभी को यूज पूरा फुल बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस यहाँ पर डांसिंग गर्ल पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पर अपने डैमेज वाली जो वेपन से हमें निकाल लेते हैं और यहाँ पर इन पर देखिए मैंने यहाँ पर गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दिया, फिर भी यहाँ पर इनको कोई डैमेज नहीं आ रहा है, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इतनी सारी यहाँ पर AK-47 की यहाँ पर गोलियां इन पे बरसा जा रहा हूँ फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए मैं आप सभी को मेगा रैम का यहाँ पर यो दे देता हूँ चीट कोड, जिसको मतलब कि आप सभी को यहाँ पर R2 यहाँ पर अपने जो है RGS टूल में आप सभी को डायल करके यहाँ पर रख देना और यहाँ पर आप सभी को राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप देखिए पहले तो आप इसको प्रेस करके उठा लेते थे, लेकिन अब ये जो मूव वाला ऑप्शन आ रहा है आप सभी को यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इस रोटेट में आपको 3 देखने को मिल जाएगा XYZ, तो X के प्लस से आप इसको मतलब इधर खिसका सकते हैं जैसे कि आपको आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जेड के प्लस से आप सभी को झुका भी सकते हो और मूव पे जैसे ही आप सभी लगाएंगे मूव वाले एक्स से वाई से ऊपर उठने लग जाएगा ये और जेड से आप सभी इसको नीचे भी उतार सकते हैं। गाइज आई होप कि तो आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, लेकिन आप जैसे ही अपनी तरफ से ट्राई करोगे तो आप सभी इसको फुल समझ जाओगे। यहाँ पर मैं आप सभी को रोलिंग प्रूफ्स का चीट कोड दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पर R3 आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इसको डायल कर देना और यहाँ पर आप सभी देखिए R3 वाली मतलब रोलिंग प्रूफ्स आ जाएगी, जो आपको मेगा रैम को चैलेंजिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। और गाइज इस पर भी वही चीज अप्लाई होगी जैसे कि यहाँ पर रोटेट वाले एक्स वाला ऑप्शन है, जो XYZ में सबसे फर्स्ट वाला एक्स वाला है, तो इसके प्लस से देखिए आप यहाँ पर कैसे घूम रही है और आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, मतलब कि नीचे की ओर फैला सकते हो, ऊपर कितनी भी उठा सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वाई वाले ऑप्शन से, जैसे कि वाई का माइनस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड से पूरी चिपक जाती है, ग्राउंड से मतलब चिपक के चलने लग जाती है, उसकी रोलिंग कभी भी बंद नहीं होगी, ये रोल करती रहेगी। आप इस पर प्लस भी कर सकते हो मतलब कि, और जेड वाले से आप इसको मतलब मूव वाले में जाकर जेड वाले से आप इसको ऊपर भी उठा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने उठा दिया ऊपर। और गाइस चलिए मैं आप सभी को दूसरे वाले प्रूफ का चीट कोड बता देता हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पर R4 डायल कर देना, तो आपको यहाँ पर R4 डायल कर दे आपके यहाँ पर डिस्को मतलब कि डिस्को की तरह का एक प्रूफ है, जो कि आप सभी को मेगा रैम में हेल्प देगा बनाने के में। तो चलिए मैं आप सभी को ट्रैक्टर का चीट कोड बता देता हूँ, ट्रैक्टर के चीट कोड के लिए आप सभी को 5643 डायल करना होगा, आप सभी के सामने ट्रैक्टर आ जाएगा और आप इसका कलर भी अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ गाइस इस ट्रैक्टर की एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि गाइस ये ट्रॉली से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रॉली के साथ साथ आता है, जैसे कि गाइस यहाँ पर देखिए ट्रॉली जॉइंट होकर आती है, इसमें ये ट्रॉली से कभी भी अलग नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को डांसिंग गर्ल का चीट कोड बता देता हूँ, जैसे ही आप लोग यहाँ पर 15 डायल करोगे तो आप सभी के सामने डांसिंग गर्ल आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग भी ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दबा के कमेंट कर दीजिए, आप सभी की कमेंट रोहित भाई तक मैं पहुंचा दूंगा। तो गाइस ये ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग हो जाएगा, इसका अलग चीट कोड होगा और ट्रॉली के साथ इसका अलग चीट कोड होगा, तो आपको सिंपली ये छोटा सा काम कर देना जब आपका ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग हो पाएगा। और गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस एक बार मैं फिर से बता दूं आप सभी को, सभी के मोड फाइल लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जाकर देखने को मिल जाएंगे, वहीं से आप सभी कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना।